उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे वे शिविर और भी करें और उनको इससे भी ज्यादा धन ऐश्वर्य आरोग्य उनके सारे परिवार को उनके भाई बंधुओं को माता पिता को ये सारी चीजें प्राप्त हो। उनका यह कार्य उनके परिवारजनों को जो भी उनको इसमें सहायता किए उन सभी को भी यह महामाया का क्षेत्र उन्हें महामाया उन पर कृपा करें। मैं यहाँ के बहुत सारे साधकों को यहाँ बहुत सारे लोगों को इवन दीवान को भी पूछा हूं कि ये महामाया की क्षेत्र की महिमा क्या है तो सभी लोगों ने यही कह के सुनाया मेरे को कि गुरुजी महामाया थी यहाँ का राजा था उस राजा के सपने में आई और वो जंगल में थी और महामाया ने उनको कहा कि मेरा मंदिर बनवा मैं यहाँ हूं और राजा ने उस महामाया के विग्रह को बाहर निकाला और यह मंदिर बांध दिया। लेकिन उससे पूर्व क्या हुआ कैसे महामाया यहाँ जमीन में आई इसके बारे में वो बताने के लिए कोई सभी को पूछ के देखाऊं कि इस क्षेत्र की महिमा क्या है तो अब आगे इस महिमा की क्षेत्र का मैं आपको इसके बारे में बतलाता हूं जो भागवत में और देवी भागवत में पद्म पुराण में इसकी एक छोटी सी कहानी आती है। अम्बरीश नाम के एक राजा हुए जो आज के महाराष्ट्र बारसी नाम के तालुके में रहते वहां राजा थे हुए और अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत किया करते थे बहुत स्ट्रिक्ट एकादशी करते थे 12 बजने से पहले द्वादशी के दिन अपन खाना खाकर एकादशी का पूर्ण उपवास करते भगवान विष्णु की पूजा करते हुए अपनी अपना दिनचर्या हर महीने की एकादशी किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि अत्रि महर्षि के पुत्र दुर्वासा महर्षि उनके घर आए जब वो एकादशी का व्रत कर रहे थे। दूसरे दिन द्वादशी थी तो अपने घर में अतिथि आया है तो अतिथि को बिना भोजन के हम भोजन कर लेना ठीक नहीं। यह जानकर दुर्वासा महामुनि ने कहा कि आज द्वादशी है मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा मैं अभी तीर्थ स्थान पे जाकर संध्या वंदन आदि करते हुए मेरे रोज नित्य का अनुष्ठान करके मैं यहाँ आता हूँ तब तक तू सब शीघ्र ही सब करके रखना खाने की तैयारी करके रखना मैं खाना खाने के लिए आता हूँ। बाप बिचारी अम्बरीश महर्षि जो एकादशी के उत्तम व्रती थे और एकादशी में कहा जाता है कि द्वादशी के दिन मध्याह्न 12 बजे से पहले कुछ न कुछ खा लेना चाहिए तभी एकादशी का फल मिलता है। अब देख यह रहे थे कि 12 बजने को आ रहे हैं एक 10 पल का समय है और दुर्वासा महामुनि नहीं आए अतिथि की बिना पूजा के अगर हम खाना खाते हैं तो वह पाप लगता है और अतिथि का और नहीं पूजा करते हैं तो द्वादशी जारी एकादशी का फल चले जाता है अब क्या करें। तो उन्हें उस 5-10 फल थे तो उसमें उन्होंने ठीक है खाना खाया या न खाया इसके लिए कुछ ये नहीं होता आज तुलसी के पान पर पत्ता रखकर पानी पी लेता हूं जो द्वादशी छोड़ने का भी व्रत होता है वैसे वैसे द्वादशी करने का भी व्रत होता है। तो उन्होंने जैसा ही तुलसी का पानी डाला और पानी पिए दुर्वासा महामुनि आ गए बोले तू क्या कर रहा है। उसने कहा स्वामी जी 12 बज रहे थे और द्वादशी आपको पता है अगर उससे पहले द्वादशी छोड़ देते हैं द्वादशी चली जाएगी इसलिए केवल जल पिया हूं तू अतिथि के रहने के बाद मेरे आने के बाद भी तूने ये बात कही कि तू द्वादशी छोड़ता है तो अतिथि का तिरस्कार करता है मैं तुझे श्राप देता हूं। डर गए अम्बरीश महामुनि उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या हुआ मैं तो केवल पानी ही पी रहा था उन्होंने ऐसा क्या किया कि मेरे ऊपर श्राप देने के लिए भागते हुए आए। और दुर्वासा ने कहा आज देखता हूं तुझे कौन रक्षा करता है और उन्होंने अपने बल से महामाया का आह्वान किया और उनको उनके ऊपर छोड़ दिया। अम्बरीश देख तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। अम्बरीश ऋषि अपने भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए भाग रहे थे और वो महामाया उनके पीछे पीछे आ रही थी लेकिन भगवान विष्णु जैसे ही सामने आए और अम्बरीश को भागते हुए देखे तो उन्होंने अम्बरीश को कहा तू रुक जा और विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर कहा महामाया पीछे आ रही थी उसने देखा तब सुदर्शन चक्र पूछते हैं हे माँ तुम बताओ दुर्वासा महामुनि ने तो श्राप दे दिया और तुम उसके पीछे अम्बरीश के पीछे उसकी गलती क्या थी क्या द्वादशी का व्रत तोड़ना पानी पीना गलत है क्या तुम उसे मारने जाओगे दुर्वासा का श्राप ठीक है। तो महामाया विचार में पड़ गई उन्होंने कहा उसने से छोड़ा है मुझे क्या करना है तो यहाँ जो जंगल है वृक्ष है
तुम तुम्हारा प्रताप उस पर बता दो, मैं दुर्वासा को देख लेता हूं। तब महामाया ने कहा कि हाँ, मैं इस जंगल को पूर्ण जलाकर मैं यहां स्थापित हो जाती हूं। और वो भूमि स्थापित हो गई और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा महामुनि के पीछे पड़ा। दुर्वासा महामुनि भागते भागते गए, सारी जगह कहीं भी गए, उनको कोई श्राप विमोचन नहीं मिला। तब विष्णु ने कहा कि तुझे अगर श्राप विमोचन करना है तो अम्बरीश राजा के पास ही जाना होगा। दुर्वासा महामुनि भागते हुए अम्बरीश महाराजा के पास आए और कहा मुझे गलती हो गई, मेरी क्षमा कर दो, तू सुदर्शन चक्र को लोग नहीं तो वो मुझे जला देगा, वो मुझे खत्म कर देगा। अम्बरीश ने प्रार्थना करी, महाराज आप मेरे अतिथि है, मैं सिर्फ भगवान विष्णु से एकादशी का व्रत के लिए मांग रहा था, मुझे आपको मारने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और कहा कि हे सुदर्शन चक्र, आप मेरे लिए महर्षि दुर्वासा को छोड़ दो। और महर्षि दुर्वासा सुदर्शन चक्र वहीं जल का कुंड निर्माण हुआ और उसमें जल में सुदर्शन चक्र स्थापित है। आज भी अगर कभी आप बारावशी जाते हैं तो वहां भगवान भगवंत विष्णु का मंदिर है और सुदर्शन चक्र पानी में आज भी घूमते रहता है उस जल में। तो वह जो महामाया शक्ति थी जिसने जो दुर्वासा महामुनि छोड़ी थी, वह आज इस जंगल में यहाँ जो भूमि में स्थापित हो गई। जब तक महामाया का मंदिर जमीन में था, यहाँ की स्त्रियों पर बलात्कार, आक्रांताओं का बहुत ही उनके पुरुषों पर बहुत प्रकार का आक्रमण था, उनको मार देते थे और यहाँ की स्त्रियां सती जाती थी। बहुत सारी स्त्रियां सती जाती रहने लगी। तो यहाँ के राजा जो रतनपुर के थे, उन्होंने प्रार्थना की कि माँ ये कब इन स्त्रियों का यह जो कष्ट पहुंचा रहे हैं, ये जो सती जा रही है, इनकी रक्षा कैसे होगी। तब महामाया ने कहा कि मैं यहाँ भूमि में स्थापित हूं, अगर तू ऊपर निकालता है तो इसके बाद कोई स्त्री सती नहीं जाएगी और मुझे मैं तेरी शक्ति बनकर उभरूंगी, तू यहां मुझसे बाहर निकाल और मेरा मंदिर बांध। इस प्रकार महामाया जो उस समय दुर्वासा महामुनि की छुड़ी हुई थी उस भूमि में थी और उस राजा ने उस महामाया के मंदिर को उत्थान किया, उन्होंने देखा और यहाँ महामाया मंदिर का मंदिर की स्थापना हुई। उस महामाया मंदिर की स्थापना होने के बाद जैसे देवी भागवत में कहा गया है, वह तीनों शक्तियों से संपन्न थी, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। आज आप देखते हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती और भद्रकाली के रूप में यहाँ तीनों शक्तियों में महामाया के रूप में यहाँ स्थापित है और इनकी आराधना सब लोग यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए या नवारणो मंत्र करते हुए इसकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या महामाया मंत्र का ऐसे दुर्वासा महामुनि जो महामाया को छोड़ा था, क्या वो नवारणो मंत्र था? क्या महामाया की स्थापना की थी वो कौन सा मंत्र था जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ के यह महामाया मंदिर दिव्यता के साथ है और यहाँ ऐसा कौन सा यंत्र है जिसको जिससे महामाया प्रसन्न हो सकती है? छत्तीसगढ़ के राजा को भी यह बात आई, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यह सब कैसा होगा। तब उन्होंने कहा कि देवी भागवत में या अपने महाभागवत श्रीमद भागवत में कहा गया है कि जब कृष्ण मथुरा में रहकर जरासंध आदि राक्षसों के साथ बहुत परेशान हो गए थे, वो लोग रोज रात में माया से आकर मारते थे, तो बलराम और श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि ये सब कैसा होगा, मेरे राज्यों में अकारण हमारे दोनों के कारण यहाँ की जनता मर रही है। तब उन्होंने महामाया की प्रार्थना की, तब महामाया ने कहा, कृष्ण मैं यहाँ जमीन में गड़ी हुई हूँ, तू अगर छत्तीसगढ़ के यहाँ तू इस कलयुग में जगन्नाथ रूप में जब लेगा, जगन्नाथ रूप में अवतार करेगा, तब अगर तू यहाँ आता है तो मैं यहाँ तुझे उस सिद्धि को प्रदान करती हूँ जो सिद्धि प्रदान की है। तब श्री कृष्ण भगवान ने महामाया की स्थापना महामाया की और अपने गुरु सांदीपनी महामुनि जो अमरकंटक के पास जिनका आश्रम है, कृष्ण के गुरु सांदीपनी महामुनि है जिनका आश्रम अमरकंटक के पास है, उस सांदीपनी महामुनि को उन्होंने पूछा कि इस महामाया क्षेत्र को किस प्रकार करने से एक उज्ज्वलता श्रेष्ठता आएगी। तब श्री कृष्ण ने कहा यह बहुत रहस्य की बात है, किसी को बताना नहीं। जो महामाया का यंत्र यहाँ के लोग उस महामाया के विशिष्ट मंत्र के साथ पूजा करते हैं या जो स्त्री पूजा करती हैं वह सौभाग्यवती ही जाएगी, उसको कभी असौभाग्य या वैधव्य नहीं प्राप्त होगा और उसके साथ उसका पति सुख के साथ जीवन करेगा, उसका घर में सारे सुख प्रदान होंगे। तब कृष्ण ने महामाया का आह्वान किया और कहा, महामाया मैं चाहता हूं कि मथुरा के लोग ये जरासंध आदि राक्षसों के साथ रोज पीड़ा प्राप्त करते हैं और हमारे कारण इनको पीड़ा होती है, आप कुछ न कुछ करके इनकी रक्षा करो। तब महामाया ने कहा, मैं जो तुझे यंत्र देती हूँ उस यंत्र से
और तू उस मंत्र का तू एक दिन रात में तू और बलराम दोनों जप करो,